करण और परम में हुआ हरलीन कौर को लेकर झगड़ा। हरलीन कौर के आ जाने से दोनों भाइयों में एक बार फिर झगड़ा हो जाता है। करण कहता है कि ये मेरी कुछ नहीं लगती हैं, तो आप ही करो इनके इज्जत। वहीं परम को गुस्सा आ जाता है। वो करण का गिरेबान पकड़ लेता है और कहता है कि बड़ों की इज्जत करना सीख। वहीं शहर दोनों भाइयों का झगड़ा रुकवाने की कोशिश करती है, लेकिन करण और परम मानते ही नहीं है। वहीं पीछे बैठा राज फिर ये सब देख कर खूब हंसता रहता है। कुलविंदर कौर हरलीन से कहती है कि अब आपको ठंडक पड़ गई होगी दोनों भाइयों में झगड़ा करवा के। तो कुलविंदर कौर कहती है कि अभी देर नहीं हुई है, माफी मांग लो। तो हरलीन कहती है कि माफी मांगती है मेरी जूती, मैं माफी नहीं मांगूंगी। वहीं परम गलती से करण को धक्का दे देता है और करण दूर जाकर सीढ़ियों पर गिरता है और उसके सिर में बहुत चोट आ जाती है। वहीं राजवीर करण को लेकर हॉस्पिटल जा रहा होता है तो रास्ते में उसे दिखना बंद हो जाता है। राजवीर को सब धुंधला धुंधला दिखता है। वहीं राजवीर हॉस्पिटल तो पहुंच जाता है, लेकिन करण की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि करण के लिए डॉक्टर को ब्लड की ज़रूरत होती है, तो शहर और परम ब्लड देने के लिए राज़ी हो जाते हैं। वहीं राजवीर छुपकर करण को ब्लड देता है और राजवीर का ही ब्लड करण के ब्लड से मैच होता है। कल आखिर करण और राजवीर का क्या है पुराना सच, जो है किसी को नहीं पता, ये भी हम आपको आने वाली वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।